हल्का तरनतार में पिछले करीब 2 माह पहले एक व्यक्ति का खून कर उसकी लाश को उसके घर में ही फेंक दिया गया था। वहीं उसके कातिलों को तरनतारन की पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया। वहीं आज उसके परिजन डॉक्टर राजकुमार वेरका को मिलने अमृतसर पहुंचे। वहीं डॉक्टर ने भी पुलिस को आदेश दिया कि वह उसके कातिलों को 3 दिन में गिरफ्तार करें, वरना वह पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर ने कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा अगर खून और रेप के पर्चे हुए हैं तो वे तरन तारण जिले में हैं। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मामला है, मेरा भरा मजदूरी करता सी 3 साल तो जिमीदार ने कोल, उह घंटा लेट गया काम ते, दोपहर तो उन्हें जाते कतल कर दिता जी, तो मैं कतल कर दिता जी। उन्होंने कतल करके मार के पता नहीं गया कि नहीं, उन्होंने साफ करके जी सीधी साटिया पलेट के सू अटैक हो गया, उन्होंने तार दें भज के घर तो छड़ के अखो किसी रहने वाले। पंजाब भर के अलार्मिंग पोजिशन के हैगा, तरन तारण के अंदर बहुत सारे केस पेंडिंग पे हुए हैं जिन्हें कार्रवाइया नहीं होंगे। कन्विक्शन रेट जोड़ा है, सज़ा का रेट तरन तारण के सिर्फ 1.5% है, 1 to 2% के है, और वो सब तो बुरी गल है। और जिन्हें भी मुकदमे है इन्होंने इनकुआरियां मार्क की हुई हैं, और इनकुआरी तो बाद फिर दूसरी इनकुआरी तो बाद तीसरी इनकुआरी, आज 68 के करीब जड़े है 68 मुकदमे रेप दे ए पेंडिंग पे हुए हैं, मर्डर दे 30 तो वध मुकदमे ये तरन तारण के इनकुआरिया के लगे हुए हैं। और मैं ये बार बार पूछा भी तेरे को किहड़ा अधिकार है, किहड़े कानून के तहत तुसीं री इनकुआरियां मार्क करते हो, और उहदे वास्ते जवाब चल भी की है। ये वास्ते मैं पंजाब के DGP और चीफ सैकटरी तो भी पूछे कि पंजाब होर किन्ने मामले है जिन्हों के उपर तुसी इदा दे री इनकुआरियां मार्क कर रहे हो। अमृतसर से आजाद TV न्यूज के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।